आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। देखिए यह क्वेश्चन दिया गया है, इफ द पीपीएफ इज लीनियर दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? एज द प्रोडक्शन ऑफ अ गुड इंक्रीजेस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड राइजेस। एज द प्रोडक्शन ऑफ गुड इंक्रीज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ दैट गुड फॉल्स। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर कॉन्स्टेंट और लास्ट ऑप्शन है द इकोनॉमी इज नॉट एट फुल एम्प्लॉयमेंट व्हेन ऑपरेटिंग ऑन द पीपीएफ। देखिए क्वेश्चन में कहा गया है कि अगर पीपीएफ का जो ग्राफ कर्व आप देखते हो, ठीक है, जो जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, मैं लिख देता हूँ द स्लोप, उसका जो स्लोप होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ये रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, रिप्रेजेंट्स द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, विच रेफर्स, जो रेफर करता है, विच रेफर्स टू द एडिशनल सैक्रिफाइस दैट अ फर्म, सैक्रिफाइस दैट अ फर्म मेक्स, दैट अ फर्म मेक्स व्हेन द शिफ्टेड सोर्सेस, जो क्या करते हैं शिफ्ट करते हैं अपने रिसोर्सेज को, व्हेन दे शिफ्ट देयर रिसोर्सेज, शिफ्ट देयर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज को और टेक्नोलॉजी फ्रॉम, टेक्नोलॉजी फ्रॉम फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ, फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन कॉमोडिटी टू द अदर, और वन कॉमोडिटी टू द अदर, एक कॉमोडिटी का दूसरी कॉमोडिटी, ठीक है, टू द अदर। सो इफ पीपीसी इज, सो अगर ऐसा हो जाता है, अगर पीपीसी कैसा है कि स्ट्रेट लाइन है, इज अ स्ट्रेट लाइन, तो ये किसको इंडिकेट करता है, इट इंडिकेट्स कॉन्स्टेंट स्लोप, ऑब्वियसली फिर स्लोप कैसा हो गया हमारा, स्लोप में कोई चेंजेस होंगे ही नहीं, ठीक है, चेंज करेगा, दैट इज कॉन्स्टेंट मार्जिनल, दैट इज कॉन्स्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट हो जाएगी, उसमें कोई चेंजेस ही नहीं होंगे, ठीक है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। जैसा कि हमने अभी आपको बताया, मैं दोबारा समझा देता हूँ कि स्लोप जो होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में, वो रिप्रेजेंट करता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को, जो रेफर करता है टू द एडिशनल सैक्रिफाइस दैट अ फर्म मेक्स व्हेन दे शिफ्ट देयर रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम प्रोडक्शन ऑफ वन कमोडिटी टू द अदर। सो पीपीसी इज स्ट्रेट लाइन, कॉन्स्टेंट स्लोप, दैट इज कॉन्स्टेंट मार्जिनल अपॉर्चुनिटी जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगी, बिल्कुल कॉन्स्टेंट हो जाएगी, मार्जिन अपॉर्चुनिटी जो है वो एक फिक्स हो जाएगी। जैसे ये कर्व है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व है, हो सकता है ऊपर से नीचे की तरफ आए, ये कोई जरूरी नहीं है, भले ही वो ऊपर से नीचे की तरफ आए या कैसे भी जाए, लेकिन इसका जो स्लोप है वो क्या आएगा, स्लोप इज अ कॉन्स्टेंट, और स्लोप ही क्या होता है मार्जिनल, क्योंकि स्लोप तो यही रहेगा ना एग्जैक्ट, कहीं भी स्ट्रेट लाइन में आप चले जाओ स्लोप तो सेम ही रहेगा ना, ये होता है स्लोप, ठीक है, तो स्लोप तो सेम ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या है, स्लोप होता क्या है, एंगल होता है टेन थीटा, स्लोप इज टेन थीटा, वो हमेशा ही सेम रहेगा कहीं भी, क्योंकि एंगल सबकी जगह सारी स्ट्रेट लाइन पे सेम रहता है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप वैसे ही सेम होता है कहीं भी देख लो आप, तो और वही स्लोप जो है वो क्या है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ आया होगा, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE, मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा।
आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।